हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मूला फॉर सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। बच्चों, पहले एन नेचुरल नंबर के क्यूब जब जोड़े जाते हैं तो उसके सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू, वो होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर। क्या आपने कभी सोचा है ये फॉर्मूला कैसे आता है? चलिए आज इस छोटे से वीडियो में मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कैसे आता है। बच्चों, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अगर हमें जोड़ना हो तो 1 क्यूब मतलब एक 1 यूनिट लेंथ, विड्थ और हाइट का एक क्यूब लिया जाए और उस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो 1 क्यूब हो जाएगा। अगर मैं 2 क्यूब बोलूँ तो 1 बाय 1 का ऐसे 8 छोटे क्यूब्स को जोड़ के एक 2 क्यूब बनाया जा सकता है, मतलब 2 लेंथ, 2 विड्थ और 2 हाइट वाला एक दूसरा क्यूब। अगर इन दोनों क्यूब को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। चलिए जरा इन दोनों क्यूब को इस डायग्राम में यहाँ पे मैंने रख रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो छोटा क्यूब 1 क्यूब जबकि बड़ा क्यूब 2 क्यूब है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 1 क्यूब को 2 क्यूब के साथ जोड़ने वाला हूँ। चलिए, तो मैं एक क्यूब को लेके आया, छोटे हिस्से को यहाँ पे खोल के रख दिया मैंने। मतलब ये कि मैंने 1 क्यूब, इस क्यूब का, बड़े क्यूब का ये हिस्सा 2 पीसेस में तोड़ दिया। अब इन सरफेसेस को जरा यहाँ पे तोड़ के रख लेते हैं। बढ़िया, मतलब ये हुआ कि मैंने इस 1 क्यूब को एज इट इज अगर रख लिया तो 1 क्यूब यहाँ पे और 2 क्यूब को 3 बेसिक टुकड़ों में डिवाइड करके बहुत ही प्रिसाइजली अरेंज कर सकता हूँ। जरा ध्यान से देखिए, मैंने दूसरे क्यूब मतलब 2 क्यूब को इसका लेंथ कितना है? ये 1 यूनिट विड्थ हो गया और लेंथ इसका 2 यूनिट हो गया। इस 1 यूनिट विड्थ को 2 यूनिट लेंथ को करके मैंने 2 हिस्से में तोड़ दिया है। अब इन दोनों हिस्से को जरा प्रिसाइसली यहाँ ला के रख लेते हैं। 1 क्यूब को तो मैंने यहाँ 1 बाय 1 का स्क्वायर यहाँ रख लिया जबकि 1 2 बाय 2 का एक स्क्वायर यहाँ रख लिया। ये 2 बाय 1 का एक रेक्टेंगल है जबकि ये 2 बाय 1 का दूसरा रेक्टेंगल है। अब अगर मैं इन सबको एक साथ जोड़ू तो मुझे क्या मिलेगा? ये 2 प्लस 1 3 और ये 3, सो 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर मिल गया। मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। चलिए अब इसी रिजल्ट को एक 3 क्रॉस 3 क्यूब के साथ देख लेते हैं। 3 क्रॉस 3 क्यूब बनाने के लिए हमने यहां पे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कर लिया, मतलब मैंने यहां 3 क्यूब ले लिया है। तीसरा क्यूब 3 बाय 3 का है। अगर इन तीनों को जोड़ू तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब आएगा। जरा इन तीनों क्यूब को रीअरेंज करके बहुत ही प्रिसाइजली एक जगह पे रखने की कोशिश करते हैं। पहले क्यूब को एक स्क्वायर के फॉर्म में 1 बाय 1 के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। दूसरे को 2 हिस्से में तोड़ के बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले रखा था। तीसरे क्यूब को कुछ इस तरीके से रख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो तीसरा क्यूब, पहला क्यूब और दूसरा क्यूब मिलके एक और बॉक्स बना रहे हैं जो स्क्वायर बॉक्स है और साइज इसका 6 बाय 6 का है। इसका मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज 6 स्क्वायर। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं जनरलाइज करके तुम्हारे सामने रखना चाहूं तो मेरा जनरल रिजल्ट क्या होने वाला है बच्चों? बिल्कुल सही, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गोइंग टू बी एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्यूब से 1 लिया गया, दूसरे क्यूब से 2 लिया गया, तीसरे क्यूब से 3 लिया गया और इन सबको जोड़ लिया गया। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 विच इज एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और इसका स्क्वायर बन गया। इसका स्क्वायर बन जाने का मतलब है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि हमने अभी अभी एक बेहतरीन फॉर्मूला
डिड्यूस किया है, फॉर्मूला बना सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट, दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 n क्यूब इज गोइंग टू बी n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को बहुत सारे जगह हम सिक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में यूज करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।